आप इस बार मौका दीजिए, मैं एक वादा करूँ आपको, सुनो, 5 साल के MLA अगर बना के भेजा असेंबली के अंदर, बीजेपी के खिलाफ लड़ते हुए नजर नहीं आया, बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर नहीं आया, आपका सीना फकर से चौड़ा नहीं कराया, तो उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ने आता, वहाँ जाके शोपीस की सरकार बैठने वाला नहीं मैं। बोलो क्या सवाल उठाते, 3 दिन के बाद 4 दिन का जवाब नहीं। आपके जैसा ही लीडर लीडर चाहिए कनाडा में, असेंबली में देखना, उन्होंने जो सवाल उठाते उसका जवाब देते मजबूती से, देते मुंह तोड़ जवाब देते, भाई बड़े बड़े इंग्लिश चैनल में भी दे रहा हूँ, असेंबली में कनाडा में भी दे। आपसे इजाजत लेने आए इलेक्शन जैसा निर्णय होगा, 7 दिन का वादा करे तो हिम्मत इसलिए खिला रहा हूँ कि आप विन होने के बाद तो मौका नहीं मिलता इंशाल्लाह, विन होने के बाद नहीं, आप बिजी रहते ये विनिंग का है समझिए। मुसलमानों में अच्छे लीडर को चुन के भेजने की जिम्मेदारी किसकी है, मुसलमानों की, आप लोग ही सोचना ना, आप लोग आज बैठ के वो बोल लेते हैं, उन्होंने बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, मुसलमानों की आवाज़, मेरे को एक वायदा करो आप, मैं अगर इलेक्शन देना तो 7 दिन नहीं, नासिर भाई रखो, हम एक पार्टी कुछ करते बोले तो बोल दीजिए, मैं उसको बोले फैसला कर लेते, छोड़ देता हूँ, बिल्कुल लौट देंगे नासिर साहब, आपको वायदा है आपका, बिल्कुल पक्का वादा है, कुछ नहीं किया है हम, आगे बढ़ना इलेक्शन के लिए, नहीं बढ़ना बेशक बढ़ना, जरूरत भी है और है काम, कुछ कौन और कर रहे हैं, पुलिस मार रहे थे, कंप्लेंट करने की भी हिम्मत नहीं कर रहे, कुछ मार रहे, हमारे क्या बचेगी, क्या आप मेरे को मौका, यहाँ गुलबर्गा नॉर्थ के लोग आप लोग दिए ना, हैदराबाद कर्नाटका में नहीं, कर्नाटका में बीजेपी का मुकाबला करता हूँ, मुँह तोड़ जवाब देता हूँ, छोटे छोटे मसले नहीं है, उन्होंने बोल रहे हैं, कारपोरेटर बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो सेठ बोल रहे हैं, आज हम सबको गुत्ता ही धोना है, साथ सबका विकास, मोदी खाली बोल बोल को था क्या, घर को बताएंगे इंशाल्लाह दी आपको, साथ जरूर दी बिल्कुल, जरूर दी है, 100 नंबर घर के हमारे इंशाल्लाह पूरा करेंगे इंशाल्लाह, आपका वायदा है पूरा, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, अमीन अल्लाह आप जीत करेंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो साथ में हैं, बिल्कुल हम बोलने की बात ही नहीं है साहब के साथ, अल्लाह ताला कामयाबी दे, हम तो आपके साथ हैं, आमीन आमीन या रब, ये सब चीज़ों में अल्लाह ताला बस ये कामयाबी कोशिशों को कामयाब करने वाला, आमीन, हमारी कोशिश है तो बिल्कुल आपके साथ, नासिर भाई कुछ क्या है, वोट डाला नासिर हिम्मत वाला है, लड़ता है, सब बोल रहे ना, फिर मेरे लिए थोड़ी हिम्मत, आप 5 साल में एक बार कीजिए, 5 साल पूरे लड़ता हूँ, आपकी साथ की और आपकी इजाज़त की, ये आपको हर समय अमाउंट सपोर्ट करें, नेक्स्ट टाइम करेगा सर, वायदा है आपको, वायदा कर रहे हैं, वायदा है क्या, अभी सोच रहे अभी घर में अम्मी को बहन को सबको बोलना खुल के, वायदा है इजाज़त है, फिर मेरे को मुसलमानों में अच्छे लीडर निकल के आना बोलते, उसकी जिम्मेदार कौन है, मुसलमान आप लोग, हम लोग तय कर रहे हैं ना, पार्टियों के अंदर किसको भी देंगे उन्हें लीडर बनेंगे बोलते, कैसा होता होता है चीज़ों के बारे में थोड़ा सा, इसलिए आपके इलेक्शन ठहरने से पहले आपकी इजाज़त लेने के लिए आए, बस बहुत बहुत शुक्रिया, लोग क्या करने वाले हैं आप लोग, बीजेपी का डर बताने वालों का साथ मत दीजिए, बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले, आप मेरे को वायदा कीजिए तो मैं इंशाल्लाह, वायदा है आपका, दोस्त है आप, रिश्तेदार को सबको बोलिए, मैं 5 साल हिम्मत करता हूँ, आप 2-3 महीने हिम्मत करके ना बोलिए, आप खुल गया बिल्कुल, हम आगे रहेंगे हालात तो वैसे संगीन है, चलता रहता है, अल्लाह किसको मुंतखब करता है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, हमारे नासिर साहब MLA इलेक्शन में ठहरे हैं, तो इंशाल्लाह हमारे वार्ड नंबर 21-22 जो भी हमारा एरिया है इससे हम फुल कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह, जितने भी MLA मैडम भी है, दूसरे लोग भी है, पर इतना भरपूर काम नहीं करे, काम नहीं करे, हमारे साथ थे वो हमारे दिल की धड़कन थी, जानते हम सब करते थे काम इंशाल्लाह, अब मैडम आए आने के बाद क्या कुछ भी काम नहीं कर रहे, खाली घर में बैठ रहे हैं, घर में गया तो क्या है, उनके बाहर के लोग मिल रहे हैं, उनको मिलने दे रहे भी नहीं, और ऐसी बात नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे तो मसले हो रहे समझो, तो वही हिसाब से ये मरद का काम है, इसलिए हमारे उस्ताद साहब को इंशाल्लाह जीतेंगे, भरपूर ताम वोटर से जो भी है, सब महिला प्रचार कर सबको बोल के भरपूर वोटर जीतेंगे इंशाल्लाह, जवान आदमी है, बात करें सरकार, डर है सरकार, ये आगे 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 बोलने पाता हूँ, ये जो है ये काम करने वाले आदमी है,
सिर्फ मेमोरेंडम देने के लिए हमारे को हम MLA को चुन के नहीं लाते, ना ही मीटिंग को होना चाहिए, वो भी तो देखना जरूरी है ना, वो जरूरी लोगों में क्या है लास्ट मोमेंट में, अरे वो बीजेपी का डर बता के लोग आने वाले हैं, वो नहीं है बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले, उनका और आपका छह मसला, दूसरे कोई भी नहीं है, बीजेपी तो इंशाल्लाह यहाँ एरिया में यहाँ से नहीं है।